हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा ही है कि काम चल रहा है अपने नए सेटअप पे, और ये रहा हमारा फार्म हाउस। और इस पे काम करे भी थोड़ा सा टाइम हो चुका है। लास्ट वीडियो काफ़ी पहले मैंने अपलोड की थी, ये वाली जो दीवारें हमने निकाली थी, तो वो बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करना, वहाँ पर नया सेटअप बन रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है हम फार्म हाउस पे काम करते हैं। वैसे तो अभी फार्म हाउस में काफ़ी काम करना बाकी है, लेकिन जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो बाउंड्री है। ये वाली बाउंड्री हमने कर ली थी, ये वाली बाउंड्री रह गई है। तो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो काफ़ी टाइम से ना ये ट्रॉली जो है ब्लॉक्स से भरी हुई है, यहीं पर रुकी हुई है, तो इसको भी आज खाली करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं काम। ये वाली दीवार है, इसको जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। एंट्री गेट अभी तैयार नहीं करते, एंट्री गेट के जो पिलर वगैरह हैं और मेन गेट है वो अभी थोड़ा टाइम रुक के हम लगाएंगे, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर अभी काफ़ी काम करने वाला पड़ा है। यहाँ पे शेड भी डलना है, वो आगे आने वाले टाइम में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आज का जो सबसे पहला मिशन ये है कि यहाँ पे दीवार निकालते हैं, और उसके अलावा इस तरफ मुँह चाके आ गया बेच तो उसके अलावा इधर भी काम करेंगे। तो आपने पिछली वीडियोज में देखा होगा यहाँ पे भी काम चल रहा था, यहाँ से हाईवे निकल रहा है एक पूरा कैंट सिरा जा, तो इस पर भी काम करेंगे। इस पे वैसे कोई ज़्यादा काम है नहीं करने के लिए, बाकी देखेंगे। चलो और भी काफ़ी रास्ते अभी निकालने हैं, यहाँ पे हमने पुल बनाना है, उस पे भी काम करना है। इधर ये जो नदी है, नदी कह लो नहर कह लो, इसको भी अभी पक्का करना है, और बहुत कुछ अभी ऑन द वे है, ठीक है। वो आगे आने वाली वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आज की वीडियो में ये काम करते हैं, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड शायद ही इस्तेमाल करें, स्वराज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो ब्लॉक्स हैं बड़े बड़े, इनको यहाँ से मूव करते हैं और अपने स्वराज की पावर देखते हैं कि स्वराज इसको खींच सकता है या नहीं खींच सकता। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है, इस तरफ ना ब्लॉक्स आ नहीं रहे थे क्योंकि इधर जगह नहीं है बिल्कुल भी, फ्रंट पे ना इधर जगह नहीं है, और ब्लॉक्स जो है यहाँ पे दीवार के साथ लग जाते थे। तो अभी जो है इसको अंदर वाली साइड खींचने की कोशिश करते हैं, और ट्रॉली भी मैंने थोड़ी सी मूव की है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये वाली दीवार जो है फ्रंट वाली, ये भी निकल चुकी है और ये तो काफ़ी लंबे टाइम से निकली हुई है दीवार, ठीक है। तो फार्म हाउस में मेन जो बाउंड्री का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। फार्म हाउस में वैसे तो ये पूरी जगह पे भी टाइल्स लगनी है, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा काफ़ी, इसमें काफ़ी मिट्टी भी डालनी पड़ेगी। ये काम अभी नहीं करते, ये काम थोड़ा सा रुक के करेंगे। फिलहाल ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा पक्का करना है, थोड़ा सा मतलब पूरा ही पक्का करना है। इसमें भी नीचे टाइल्स लगानी है, जैसे वहाँ पर टाइल्स लगाई थी ना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी टाइल्स लगानी है। अभी यहाँ पर कोई भी ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि जितने भी ट्रैक्टर थे वो सारे मैं अंदर ले गया था सेटअप में, तो वहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर लगाने के लिए टाइल्स चाहिए और टाइल्स हमें लानी पड़ेंगी फैक्ट्री से वहाँ से। तो देखते हैं आज कौन सा ट्रैक्टर यूज करते हैं टाइल्स लाने के लिए, ठीक है। तो टाइल्स ले आते हैं, हो सकता है टाइल्स लगाने का काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करें। आज की वीडियो में जो है टाइल्स ला के यहाँ पे ट्रॉली रोक देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस्तेमाल करेंगे अपना HMT नाट 11 ट्रैक्टर, जो कि मेरे हिसाब से काफी टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ इसके साथ। इस ट्रैक्टर पे जो है मॉडिफिकेशन का काम चल रहा था, अभी भी इस पे काम चल रहा है, जैसे इसके मडगाड़ अभी नहीं लगे। ये ट्रैक्टर मैंने कंप्लीट अपग्रेड किया था इससे पहले, जो आपने इसकी वीडियोस देखी हैं। जब से इसको अपग्रेड किया है उसके बाद शायद मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की होंगी चैनल पे, और उससे पहले जो ट्रैक्टर था ना और अब जो ट्रैक्टर है इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, देखने में भी काफ़ी चेंजेस हैं और इसकी जो पावर है उसमें भी काफ़ी जो है अपग्रेड कर दिया मैंने। इसकी जो मोटर है, गियर बॉक्स है, वो कंप्लीट अपग्रेड हो चुका है। तो टाइल्स लाने के लिए ये ट्रैक्टर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी कंफ्यूजन इस बात की है कि ट्रॉली कौन सी लेके जाएं, कि नाट 11 के पीछे जो ये ब्लू वाली ट्रॉली डालें या फिर ये जो बड़ी वाली ट्रॉली है ये यूज करें। वैसे ये वाली ट्रॉली जो है ये स्पेशल नाट 11 के लिए बनाई है हमने। इसका पेंट देखो ध्यान से, सेम टू सेम नाट 11 से मैच कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइल्स तो वैसे हमने कुछ ज्यादा नहीं लानी, ट्रॉली फुल तो नहीं होगी, बाकी चलो देख लेते हैं जितनी भी लानी होगी ले आएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी नाट 11 के पीछे डालते हैं ट्रॉली। तो दोस्तों यहाँ पे अपना नाट 11 ट्रैक्टर जो है यहाँ पे फंस चुका है, क्योंकि ये वाली जगह है ना यहाँ पे अभी काम चल रहा था, वो हमने दीवार निकाली है, तो यहाँ पे काफ़ी जो रेता हो गई थी, यानी ये जगह काफ़ी पोली है यहाँ से। तो कुछ ट्रैक्टर में अभी मॉडिफिकेशंस बाकी हैं, ये अपग्रेड हो रहा है, इसके टायर्स में अभी वेट वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर ने पावर तो फुल लगाई लेकिन टायर्स में वेट नहीं था, तो स्लिप मारने लग गया ट्रैक्टर। तो अभी अकेला तो यहाँ से निकल नहीं रहा, तो इसलिए हमने मंगवा लिया अपना ऑलराउंडर स्वराज 4x4। तो इससे थोड़ा सा ही धक्का लगाएंगे तो उम्मीद है कि ट्रैक्टर आराम से निकल जाएगा। बाकी ये ट्रैक्टर अपना दूसरा हैवी ड्राइवर चला रहा है, देखते हैं क्या बनता है। ले आ भाई, वैसे तो ट्रैक्टर पूरा जोर लगा रहा है लेकिन यहाँ पे मिट्टी की वो लगी है, आगे डाफ लगी है, यानी मिट्टी थोड़ी सी ऊंची है यहाँ पे, तो देखते हैं आराम से। पहले तो जोर लगाते हैं, आराम से लगा, उम्मीद है। चल 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 चल, निकल गया। मैं रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे, बैक कर ला, बैक ले जा। चलो देखते हैं अभी यहाँ से अकेला नाट 11 खींचता है या नहीं खींचता। अरे यहाँ से तो आराम से खींच लिया, वहाँ पे भी निकल तो जाता लेकिन रेता बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। फ्रंट में भी इस पर वेट काफ़ी कम है, तो फ्रंट पर थोड़ा सा वेट डालना पड़ा।
उस जगह पे अपने को टाइल्स की जरूरत है, तो मैं सोच रहा था अगर ट्रॉली वहीं पे बैक हो जाए, लेकिन जगह काफी ऊंची है वो वाली, मुश्किल है। ये वाला ट्रैक्टर तो बैक नहीं करेगा ट्रॉली, क्योंकि ये ना 4x4 नहीं है, तो जोर नहीं लगा रहा पूरा, यानी टायर इसके जो है स्लिप निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो खड़ा है ये आराम से ले जाएगा ट्रॉली बैक, लेकिन आज की वीडियो में नहीं ट्रॉली बैक आते, तो देखते हैं अभी ट्रॉली ना आगे ले चलते हैं फार्म हाउस में, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे ट्रॉली बैक लगाएंगे अपने स्वराज से। तो ठीक है दोस्तों, ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक थी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्वराज 4x4 की पावर, और उससे ट्रॉली बैग लगाएंगे उस जगह पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे टाइल्स का काम शुरू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा।